वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्लास चैप्टर। आज हम मैथ्स में सिंपल इक्वेशन सीखेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करें क्वेश्चन को। अगर ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में अंडर रूट में, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा हुआ है इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, फाइव का लिखा है शुरू में फाइव, फिर प्लस, फिर साइन लिखा प्लस का, फिर अंडर रूट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फिर लिखा है इलेवन, ठीक है, फिर प्लस, फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नाइनटीन, ठीक है, नाइनटीन के बाद क्या है, फिर प्लस, फिर क्या है क्वेश्चन में अंडर रूट, फिर लिखा हुआ है 29, ठीक है, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट अंडर रूट में है, फिर क्या लिखा है 49, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्यूशन करें, 29 लिखा है 49। अब इसको कैसे सॉल्यूशन करें, बहुत इजी मेथड है इसे सॉल्यूशन करने का। क्या करेंगे, अब देखिए 5 तो ऐसे रहा क्वेश्चन में क्योंकि इसे तो चेंज होने का, 5 हमने ऐसे लिखा, ठीक है, प्लस अंडर रूट में 11 ऐसे रहा क्वेश्चन में, प्लस 19 ऐसे रहा क्वेश्चन में, ठीक है, प्लस 29 ऐसे रहा क्वेश्चन में, प्लस अब देखिए जो लास्ट में क्या लिखा है क्वेश्चन में 49, 49 का स्क्वायर क्या होता है 7, ठीक है, तो 49 को हम क्या लिखेंगे 7, स्क्वायर करें 49 का स्क्वायर होता है 7, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या करते हैं दोनों को ऐड, 5 क्वेश्चन में ऐसे रहा, ठीक है, प्लस अंडर रूट में ऐसे रहा क्वेश्चन में 11, प्लस, ठीक है, अंडर रूट में ऐसे रहा 19, प्लस अब क्या करते हैं देखो 29 और 7 कितने होते हैं 36, इन दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है, कितना गया हमारा 36। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, अंडर रूट ऐसे रहा क्वेश्चन में, कितना है लिखा शुरू में 5 प्लस, ठीक है, 11 ऐसे रहा अंडर रूट में क्वेश्चन में, फिर क्या आएगा प्लस, फिर अंडर रूट में क्या लिखा क्वेश्चन में 19 प्लस, ठीक है। अब देखिए 36 का जो स्क्वायर है, 36 लिखा अंडर रूट लिखा हुआ तो इसका स्क्वायर कर जाएगा 6, ठीक है, 36 का स्क्वायर कहता है 6। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं ऐड, अंडर रूट ऐसे रहेगा क्वेश्चन में 5 प्लस अंडर रूट 11, ठीक है, प्लस अंडर रूट, अब देखिए 19 प्लस 6 कितना होता है, 19 को 6 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25, ठीक है, 25 का क्या करना है अभी हमें स्क्वायर, बहुत ईजी है, 5 क्वेश्चन में ऐसे रहा प्लस, ठीक है, प्लस करने के बाद क्या करा देखिए, अब 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है क्या 5, ठीक है, 5 लिख देते हैं यहाँ पर, स्क्वायर से नोट खत्म हो जाता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं इसको ऐड, क्वेश्चन में ऐड करते हैं, देखिए 5 क्वेश्चन में ऐसे रहा प्लस, ठीक है, फिर देखिए अंडर रूट कितने हो गए 11 और 5 कितने होते हैं 11 और 5 ये हो गए 16, ठीक है। अब क्या कहते हैं 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा 5 ऐसे रहा क्वेश्चन में, 16 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5 प्लस 4 कितने होते हैं 9 और 9 का स्क्वायर क्या आता है 3, ये हमारा क्या था सिंप्लीफिकेशन।